अरे वाह। तो दोस्तों, जब तक हम उठते हैं हमारी माता श्री ने पूजा कर दी होती है और हमारे जो भी हमारे देवता वगैरह उनको पूरा फूल चावल धूप टिक्का कर दिया था। इसके बाद हम जाके अपना मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे और आपको मिलेंगे थोड़ी ही देर में। नमस्ते दर्शकों, क्या हाल है सबके? और आई होप कि सारे अपने अपने घर पे सही होंगे इस पैंडमिक टाइम में। एंड आज का जो वीडियो है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी डेली लाइफ पे कि मैं गांव पे आके एक दिन में क्या क्या काम करता हूँ और कैसे मेरा यहाँ पे पूरा सेवा होती है। सेवा समझते हैं ना, कि जैसे कोई भी अपने मतलब नौकरी से या कहीं से घर आता है और उसके घर वाले उसको क्या क्या खिलाते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया अपना दूध पीने का और आज हमें मिलेगा बकरी का दूध, जो हमारी ताई जी हमें देंगी। और अभी हम पियेंगे बकरी का दूध। सामने से धूप बहुत पड़ रही है, सूरज सामने आता है, इस साइड से अपना सूरज निकलता है तो धूप पड़ रही है, आंखें अपनी खुल नहीं रही है। तो अभी पीते हैं बकरी का दूध। तो अपने किचन में लेके जा रहा हूँ। बेसिकली मेरी ताई जी और मम्मी जी खाना अलग अलग बनाते हैं, तो बेसिकली मेरे को दोनों घर से खाना मिलता है। तो मैं आपको दोनों किचन में लेके जाऊँगा और बताऊँगा कि दोनों घर में क्या क्या बन रहा है। तो जल्दी से चलते हैं पहली किचन में। आज क्या बना था ताई? आज तो मैं और अभी तक तो सब्जी बनी नहीं है, बट ये देखिए फास्ट बीन और भिंडी इकट्ठी करके बना रहे हैं बढ़िया से। और चूल्हे पे खाना बनता है और अब पता है कि चूल्हे का खाना कैसा होता है, बढ़िया से एकदम लाजवाब मस्त। और अब चलते हैं हमारी मम्मी के पास जल्दी से। आज क्या बना था मम्मी? आम की सब्जी और बेसिकली दो तीन चीजें अपने आज यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे घर वालों को थोड़ी जल्दी थी, कहीं काम पे जाना कहते हैं, तो इसमें मैं आपको सब्जी वगैरह बता देता हूँ। इसमें घिया डाला हुआ है, घिया आपको दिख ही रहा है, ठीक है? और इसमें अरबे के पत्ते, जो जिसको हम पतरोड़े हैं, मेरे वीडियो भी बनाया है उस पतरोड़े के ऊपर, तो आप लिंक में जाके देख लेना, मैं लिंक छोड़ दूंगा पतरोड़े वाली वीडियो का। और तीसरा जो है कच्चे आम की एक सब्जी बनती है मीठी खट्टी करके, तो उसको बनाएंगे। तो बेसिकली तीन सब्जी आज हमारे यहाँ पे बनेगी। और ये हमारा नया किचन है और बेसिकली इसमें भी हमने चूल्हे, जो चूल्हा होता है चूल्हे के लिए बनाया और पूरा प्रोविजन दिया है, चिमनी बनाई है ताकि धुआं अंदर ना आए। और हमें बेसिकली गांव वाले हैं तो हमें इसी में ही चूल्हे का खाना ही पसंद आता है। तो अब जल्दी से मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। Thank you.
टाइम है कुछ काम करने का, तो अभी हम लगाएंगे यहाँ पे पोछा अपने घर में। तो देखो कैसे आज पोछा लगता है, पूरा टाइले ना चमका देंगे हम, एकदम शीशा बना देंगे शीशा। तो देखो कैसे पोछा लगता है। तो दोस्तों दिन के बज चुके आई थिंक 2 से 2:30, कितने बज चुके हैं, हाँ 2:30 बज चुके हैं। और अभी टाइम है कुछ स्नैक्स खाने का, तो स्नैक्स में हमने लिया है फ्रूट, खरबूजा खा रहे भी हम, लस्सी तो पी बैठे हैं, लस्सी का बस गिलास गिलास बाकी है, बाकी तो पी बैठे। अब हम खाएंगे तरबूज और इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ खेतों में सीधा। तो बेसिकली हम पानी को छान रहे हैं तकरीबन यहाँ पे 3 पंप करने वहाँ तक हमारी है जमीन, आपको दिख रही है वहाँ पे फेंसिंग दिख रही है, वहाँ तक हमारी ज़मीन है। तो 3 पंप होते हैं यहाँ पे भी, एक ही कर रहा है बट एक में ही हालत ख़राब हो चुकी है, तो पसीने से आप अपनी हालत देख ही सकते हो, पर क्या करना, अभी 3 पंप यहाँ हैं, बाकी वहाँ पर भी करने हैं जाके अपने को। कहाँ जा रहे हो आप? खेतों में। क्या कर रहे हैं? घास काट रहे हैं। अच्छा घास तो है ही नहीं अभी। बहुत घास है खेतों में। ठीक है ठीक है। सब अपना अपना नाम बताओ, आपका नाम बताओ। ऋषभ कोटिया। आपका नाम बताओ। सीमन। मुझे तो समझ में नहीं आता इतना जिगरा आता कहाँ से लोगों पे, फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी तो कोठे पे बिठा दे। जॉनी सिंस। आपका नाम बताओ। तो दोस्तों अभी मैं मिलाता हूँ आपको अपने भैया से। तो बेसिकली हमारे गांव में मैक्सिमम लोगों ने अब ट्रैक्टर ले लिए और बैल जो है 1-2 लोगों के पास ही गिने चुने के पास बचे हुए हैं, तो एक भैया उसमें से मेरे। तो अभी मैं जो बैल से अपने खेतों को वो निकाल रहे हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बेसिकली हमारी भाषा में कुआर, तो वो कर रहे हैं क्योंकि जो धान लगाने से पहले यहाँ पे 1-2 बारी हल चलाया जाता है ताकि इसकी जो नमी है और जो खेत है वो खुल जाए। तो बेसिकली अभी उन भैया से पूछते हैं जो कि हल चला रहे हैं, और आप देखो कि हल कैसे चलता है गाँव में। बेसिकली हम भी पहले बैल वगैरह ही चलाते थे बट अभी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 6-7 साल हो गए तब से बैल वगैरह हमने रखे नहीं, अब तो हम भी ट्रैक्टर से करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कैसे करते हैं इसको। भाई एक एक करा दे कुआरा दसा लोग का यहाँ कुआरा क्या कर दे कुआरा है। हाँ कुआरा ते जड़ा एक ता जमीन पौधी हो जाती हाँ, दो या का आधी लगता हाँ, शरीर फिट रहता। अच्छा हाँ लॉकडाउन का भी पूरा फायदा चक्का है तो हां है शरीर का भी फायदा रहता हां, शरीर पूरा फिट है। सारे दांत का बुड्ढे हुई हो जब तक मुंह जब तक है तब तक चलाएंगे इनको। हां बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद देखेंगे। सो राइट नाउ गाइस वी आर एट होम और हम घर पर पहुंच चुके हैं अपने खेतों में काम करके, जो स्प्रे वगैरह हमने करनी थी वो कर चुके हैं। अभी मेरा भाई ही साथ वाले खेत में स्प्रे कर रहा है बट, और अब शाम हो चुकी है तकरीबन 6:30-7 बजने को हो चुके हैं, और अभी अपने को डिनर टाइम प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं मेरे घर में। तो और बाकी आप पीछे मेरे व्यू देख सकते हो, पूरे स्नो लाइन यहाँ से दिखती है, जो भी अपनी धौलाधार रेंज है तो पूरी दिखती है यहाँ से दोस्तों। ये पूरी स्नो लाइन यहाँ से यहाँ जो दिखती है पूरी धौलाधार रेंज है, और यहीं पे पीछे अपने सिटी है धर्मशाला, साथ में मैकलोडगंज है। तो बेस्ट रिकमेंडेड प्लेस है जो भी बिगिनर है ट्रैवलिंग के लिए, हो गया आपको ट्रैक करना है ट्रैवलिंग करनी है, यहाँ पे आई थिंक 5-6 ट्रैक है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, त्रिण ट्रैक हो गया, क्रेडी ट्रैक हो गया, और कुछ एक लोकल भी हैं जिनको आप लोग कुछ को तो जानते नहीं होने, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं आराम से अपना, मतलब वीकेंड हो गया
या कुछ भी आप अपना ऑफ लेके आ सकते हो 4-5 दिन के लिए। बढ़िया जगह है और ठंडी ठंडी जगह है, और बाकी नहाने वगैरह के लिए यहाँ पूरे छोटी छोटी नदियाँ जैसी हैं, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। खाने के लिए बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, पूरे यहाँ पे तिब्बतन मार्केट है, आपका हिमाचली फूड हो गया वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपका टाइम ऐसे मतलब आसानी से पास हो जाएगा। बाकी आप इसको चंडीगढ़ से अराउंड 250 किलोमीटर, तो आप आराम से यहाँ पे आके घूम सकते हो। तो मिलता हूँ आपको आज मैं शाम वाले खाने पे, तब तक के लिए बाय। सो राइट नाउ वाज 8:35, 8:35 हो चुके हैं शाम का, मेरे घर पे खाना बनना चालू हो गया। तो आज हमने खाने में बना रहे हैं चावल, साथ में मूंग की दाल है, और दिन के कुछ चपातियाँ बची थी। तो वैसे तो बेसिकली हम खाना वगैरह कुछ वेस्ट करते नहीं है, तो दिन का भी बचा हम शाम को खा लेते हैं ऑलमोस्ट है। तो आज की मेरी जो दिनचर्या थी मैंने आपकी इस वीडियो में दिखा दी है, यही मैं आके घर पे अपने करता हूँ। घर के काम हो गए, खेतों का काम हो गया, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं घर पे आके हम करते हैं। और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, जो कि होगी आई थिंक मेरे गाँव वालों के साथ, जो भी मेरे गाँव के भाई वगैरह हैं उनके साथ हम घर पर आके क्या क्या करते हैं, तो वो वीडियो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय।